बांसुर के हरसोरा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति दीन मोहम्मद की हत्याकांड का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी सत्य नारायण सिंह ने बताया कि रविवार को हरसोरा थाना इलाके में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी, जिस पर मृतक के पुत्र ने अपने पिता की पीट पीट कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस ने बताया कि मृतक दीन मोहम्मद खेतों में रखवाली का काम करता था तथा पास में लक्ष्मी नाम की विधवा महिला का मकान भी था, जिस पर मृतक दीन मोहम्मद के महिला के साथ प्रेम प्रसंग भी बताए जा रहे हैं और मृतक महिला से मिलने पर उसके घर जाता रहता था। मृतक का महिला से मिलने के लिए उसके घर भी आना जाना रहता था। लक्ष्मी का बेटा गुड़गांव से आया हुआ था। जब मृतक दीन मोहम्मद उसके घर गया तो महिला लक्ष्मी का बेटा जाग गया था और दीन मोहम्मद को पकड़ लिया तथा चोरी करने के चलते उसे बाथरूम में बंद कर दिया और गाली गलौज हुई। वहीं दीन मोहम्मद के गले से तौलिए को खींचने से उसका गला दबने से मौत हो गई। घटना को आत्महत्या बताने के लिए दीन मोहम्मद को लटका दिया। वहीं जरिए टेलीफोन से सूचना देने पर सज्जन सिंह और शंभू सिंह को बुलाया और बाथरूम का दरवाजा खोला तो दीन मोहम्मद की मौत हो चुकी थी। पुलिस मुकदमे के डर से मृतक दीन मोहम्मद के शव को बाथरूम से निकालकर झोपड़ी में पलंग पर लेटा दिया। पुलिस ने मामले की जांच की तो आरोपी से पूछताछ की तो उन्होंने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी खुशीराम धोबी, राजेंद्र राजपूत, बनारसी लाल प्रजापत को गिरफ्तार कर लिया है।